तो भाई कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि मज़े में होंगे। तो भाई मैंने ऑर्डर कर लिया है अमेजोन से सबसे सस्ता TWS, वो भी ओनली 500 रुपये में। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या 500 रुपये में मुझे जो है एक अच्छा TWS मिला या फिर मेरा 500 रुपये ही जो है पानी में चला गया। तो मैं करता हूँ इसका अनबॉक्सिंग। आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो भाई सबसे पहले सील को जो है काट लेते हैं। तो भाई बॉक्स जो है इस तरीके से देख सकते हैं आप, कुछ दिया गया है, काफ़ी छोटा सा बॉक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूएस्ट डिजिटल इंडिकेटर ट्रू वायरलेस हेडसेट। यहाँ पे B5.1 दिया गया है BT वायरलेस। और बॉक्स के साइड में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है M19। ये जो है मॉडल नंबर है, M19 TWS है। और यहाँ पे कलर्स वगैरह दिया गया है। और इस तरफ जो है ट्रू वायरलेस स्टोरेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे अल्ट्रा स्मॉल दिया गया है, कॉल और म्यूजिक एंड फास्ट चार्जिंग दिया गया है इसमें। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेड इन चाइना। ठीक है, तो ये जो है एक चाइनीज प्रोडक्ट है, आप ये चीज़ ध्यान में रखना। तो भाई ओपन कर लेते हैं बॉक्स को और देखते हैं इसके अंदर हमको जो है क्या कुछ मिलता है। और भाई बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पे जो है मुझे एक चार्जिंग केबल मिल गया है। भाई चार्जिंग केबल तो शुरू होते ही खत्म हो गया है, क्या करें इसका। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। और यहाँ पे रखा गया है हमारा मेन प्रोडक्ट यानी कि TWS। तो यहाँ पे भाई अच्छे से जो है रैप करके भेजा है ना, ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। तो इसको निकाल लेते हैं। और भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉक्स के अंदर हमको जो यूज़र मैनुअल भी नहीं दिया गया है। और यूज़र मैनुअल तो छोड़े, यहाँ पे भाई हमको एक्स्ट्रा एयर ट्यूब्स भी नहीं मिला है। तो हमको जो दो ही एयर ट्यूब से काम चलाना पड़ेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो भाई बात कर लेते हैं केस की। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही बड़ी सी आपको जो है केस देखने को मिल रहा है। मेरे हैंड में जो है ये पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऊपर के साइड आपको जो है ग्लॉसी लुक देखने को मिल रहा है और नीचे तरफ जो है आपको मैट फिनिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अंदर देख लेते हैं ईयरबड कैसा दिया गया है। तो इसको ओपन करते हैं। तो भाई ईयरबड जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। ब्लैक, पूरा ही ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है मैट फिनिश है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन अगर बोलेंगे ईयरबड का तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इसको गिरा के देखते हैं। हाँ, ये मैग्नेट भी काफ़ी अच्छा है, ये जो है गिरेगा नहीं। तो केस में आपको जो है USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इस तरफ देखेंगे तो आपको जो है माइक्रो USB पोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है चार्जिंग के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको एक बटन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से जो है आप टॉर्च को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक टॉर्च भी मिल जाता है केस में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ना। इमरजेंसी में आप जो है टॉर्च से जो है काम चला सकते हैं। और भाई बात करें TWS की, तो यहाँ पर जो है अब मीडियम साइज का आपको जो है TWS देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो है फिटिंग वगैरह देख लेते हैं। वैसे लाइट वेट है ना, काफ़ी लाइट वेट है, तो कान में लगाने से वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत देर तक भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके कान में दर्द नहीं करेगा। ठीक है, और फिटिंग जो है यहाँ पे फिटिंग काफ़ी अच्छा है ना, ये जो है फिट हो गया अच्छे से कान में, आप देख सकते। और यहाँ पे गिरेगा नहीं, हिलाने पे भी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अच्छे से जो है ये फिट हो जाता है। और भाई इसका जो केस में अभी चार्ज नहीं है, तो अभी जो है ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको थोड़ी देर मैं जो है चार्ज कर लेता हूँ। लगभग आपको जो है 2 घंटा चार्ज करना है, तब जो है ये फुल चार्ज हो जाएगा। और भाई इसको जो है मैंने लगभग 1.5 घंटा चार्ज किया, उसके बाद जो है अब इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लुक आ रहा है। यहाँ पर जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर आपको जो है पूरा लाइट दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको जो है इसका लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, असली में जो है आपको मज़ा आएगा। तो भाई आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है आपको पूरा बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, 84% जो है यहाँ पे केस में चार्ज हो गया है। और यहाँ पे जो है हमारा बर्ड भी जो है चार्ज हो रहा है, दोनों साइड में जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं इसको जो है ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी ओपन कर लिया है, लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन कर दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको जो है उठा के एक बार रखता हूँ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। इसको भी एक बार उठाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई बात करें इसके जो है कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे जो है आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का जो है सपोर्ट मिल जाता है। तो आप जैसे ही एक बार जो है इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल से, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी केस से जो है TWS को बाहर निकालेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर कनेक्टिविटी डिस्टेंस की, तो यहाँ पर जो है आपको अप टू 10 मीटर का जो है कनेक्टिविटी डिस्टेंस मिलता है। यानी कि अगर आपके जो है केस को कहीं पर रख देते हैं एक जगह में और आप जो है ईयरबड को पहन के दूर तक चले जाते हैं 10 मीटर के अंदर, तो आपका जो है कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं जाएगा।
तो अब जो है मैं इसे करूंगा मोबाइल से कनेक्ट और इसको जो है मैं दिन भर यूज करूंगा, गाने वगैरह म्यूजिक वगैरह सुनूंगा, उसके बाद इसमें जो है कॉलिंग वगैरह में भी बात करूंगा, उसके बाद जो है मैं आगे आपको जो है इसका रिव्यू बताऊंगा। और भाई बात करें इसके साउंड क्वालिटी की, तो यार मैं जो है सरप्राइज हो गया हूँ यार, ₹500 में जो है इतना अच्छा क्वालिटी का साउंड क्वालिटी आपको जो है देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे जो है बेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यार प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है। अगर आप जो है 50-60% में सुनते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा बेस वगैरह मिलता है। साउंड क्वालिटी के मामले में जो है मुझे कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो है बिल्कुल से ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं यार ₹500 में क्या ही मिल जाएगा, बट इसका जो है साउंड क्वालिटी मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको गेमिंग मोड नहीं मिलता है, तो मैं आपको जो ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको पहन के जो है प्रो गेमिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो उसमें यूज करेंगे तो आपको कोई भी निराशा नहीं होगा, है ना। अगर आप ₹500 खर्च कर रहे हैं ना तो इसका जो है आपको जो है इनपुट मिल रहा है, इसका साउंड क्वालिटी जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ बाहर में, ये रोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। मैं जो है अभी एक कॉल करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास जो है एक ही मोबाइल है, तो इसी से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा तो कॉल जो है नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आपको वो आवाज़ जो है नहीं आएगा, तो मैं जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। अभी आप देख सकते मैं बाहर में हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ी वगैरह चल रही है, तो आपको नॉइस वगैरह भी काफ़ी सुनाई देगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं कॉल करके दिखाता हूँ कैसा इसका वॉल्यूम जो है आने वाला है। भाई पर अभी हाँ बोलिए सर, क्या कर रहा है? बढ़िया, वो एग्जाम का तैयारी कर रहा था थोड़ा। बता कौन सा एग्जाम? AMFMI का एग्जाम है, म्यूचुअल फंड का। अच्छा, चला रहा है। और वो तो मेरा आवाज साउंड कैसा आ रहा है? आवाज साउंड ठीक है लेकिन इतना क्लियर नहीं है। एकदम क्लियर नहीं है क्या? हाँ हाँ ठीक है, जैसे अपना दूर से आ रहा है कि कैसा आ रहा है? नहीं ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है। देखो यार, कर रहा था मैं साउंड कैसा आता है। हाँ क्या लिया बोला? TWS ईयरबड। ये क्या है, कैसा आ रहा आवाज? आवाज सुन लेकिन सही है। हाँ आवाज ठीक है, वोल्ट का थोड़ा अलग रहता है ना, वोल्ट वाला जो है ना एकदम क्लियरिटी आता है। आवाज जो है थोड़ा कट रहा है। धीरे आवाज आ रहा है? नहीं आवाज ठीक है, कम ज्यादा हो रहा है आवाज जो है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं लगाता हूँ फिर। हाँ, तो भाई यहाँ पे जो है ओवरऑल कॉलिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें, तो अगर आप जो है इंडोर में बात करते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, बट हाँ यहाँ पे जो है आउटडोर में अगर आप जो है कॉलिंग में बात करते हैं ईयरबड से, तो आपको जो है थोड़ा मशक्कत करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगले के जो है साउंड जो है ब्रेक होकर जा रही है, एकदम क्लियर साउंड जो है सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको जो है आउटडोर में कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और भाई टच कंट्रोल की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर आप जो है राइट साइड में एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो है सॉन्ग पॉज हो जाता है, अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो आपका जो है सॉन्ग प्ले हो जाता है, और लेफ्ट साइड में भी आपको जो है सेम फीचर्स मिलता है। और यहाँ पर अगर आप जो है राइट साइड में दो बार प्रेस करते हैं तो आपको जो है डायल में जो फर्स्ट नंबर होगा उस पर जो है कॉल लग जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और राइट साइड में अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं आप जो है नेक्स्ट सॉन्ग में चले जाते हैं, और अगर आप जो है लेफ्ट साइड में 3 बार प्रेस करते हैं तो आप जो है प्रीवियस सॉन्ग में चले आते हैं। और दोनों ही TWS को ऑन ऑफ करने के लिए आपको जो है लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जैसे एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका TWS ऑन हो जाता है, और दोबारा लॉन्ग प्रेस करने पर आपका TWS ऑफ हो जाएगा। तो भाई बात करें अगर इसकी डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर जो है कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो चाइनीज प्रोडक्ट है, आप जो है पानी वगैरह से थोड़ा दूरी रखिए तभी जो है सही रहेगा। और भाई एक चीज और, आप जो है कमेंट करके ये मत पूछना कि इसमें वारंटी कितनी है, भाई चाइनीज प्रोडक्ट है, इसमें आपको कोई भी वारंटी वगैरह नहीं दिया गया है। ठीक है,
तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट यानी कि बैटरी लाइफ की, कि कितना दिन चलेगा इसको जो है एक बार चार्ज करने के बाद। यहाँ पे जो है आपको 2000 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है। मैंने आपको जो है पहले ही बता दिया, लगभग 2 घंटा आपको जो है इसको चार्ज करने पड़ेगा तब जो ये फुल चार्ज हो जाएगा। और एक बार जो है फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पे जो है केस में आपको 2 से 3 दिन का बैटरी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही अगर बर्ड की अगर बात करें तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे रख देते हैं तो ये जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये चार्ज होते रहता है। और वही 2 से 3 घंटा आप जो है कॉलिंग में भी बात करेंगे तब भी जो है ये बैटरी जो है खत्म नहीं होगा। तो बैटरी लाइफ के मामले में यहाँ पर जो है आपको ठीक ठाक सा अभी मिल रहा है मेरे नए में, बट आगे जाके जो है जैसे जैसे मैं यूज करूंगा तब मैं जो है आपको बता पाऊंगा। अगर आपको जो इसको 30 डेज यूज वाला रिव्यू भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तब मैं जो है इसका वीडियो भी लेके आऊंगा 30 डेज यूज का। तो भाई फाइनली बात कर लेते हैं क्या इस ईयरबड को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे अगर आप जो है मुझे साउंड क्वालिटी के बारे में पूछेंगे ना, तो यहाँ पे जो है 500 रुपए में जो है आपको बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। अब मैंने जो है हर तरह का जो है सॉन्ग सुना है, ठीक है, बट यहाँ पे जो है बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो मैंने जो इसको ज़्यादा दिन यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको जो है बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊँगा बैटरी बैकअप कितना दिन चलेगा। बट हाँ ये है कि 3 से 4 दिन चल जाना चाहिए। अब जो है मैं इसको धीरे धीरे यूज़ करूँगा तब आपको जो है मैं एक अच्छे से वीडियो बना के दे पाऊँगा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो यहाँ पर जो है प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब जो है इसके साथ जा सकते हैं 500 रुपये में, आपको जो है और क्या ही कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे TWS प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।